राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के तत्वाधान में जिला कारागार में महिला बंदियों की बैरक में स्वास्थ्य शिक्षा एवं बच्चों संबंधित शिविर लगाकर विधिक सहायता प्रदान किया गया। शिविर का शुभारंभ प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने किया। इस अवसर पर महिला बंदियों को यह जानकारी प्रदान की गई कि वे अपने एवं अपने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं एवं विधिक सहायता हेतु प्राधिकरण द्वारा नामित पैनल अधिवक्ता, जेल विजिटेटर, मेडिएटर विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेल अधीक्षक, बाल रोग एवं महिला अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसी क्रम में खजनी तहसील में भी शिविर लगाकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया तथा लोगों को बेटियों को शिक्षित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की बात की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने बताया। एग्जाम दिया था माने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कुशल नेतृत्व में वर्तमान में जिला कारागार में जो महिला बंदी हैं और उनके साथ जो उनके बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी, उनके बच्चों के लिए और उनके मानसिक दिक्कतों के लिए एक प्रोग्राम चला रहा है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने जो है महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की सुविधा उन लोगों को आज जेल में प्रदान की गई है, जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, बच्चों का किया गया है, उनकी जानकारी महिलाओं को उनकी जो पर्सनल जो भी दिक्कतें हैं महिला रोग से संबंधी उसकी उनको एक समुचित इलाज और उसकी दवा मुहैया करवाई गई आज। इसी क्रम में कल हम लोगों का एक प्रोग्राम जेल में पुनः है, जिसमें हम लोग आँख नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और मानसिक रोग विशेषज्ञ कल इनको हम वहाँ उनकी सुविधा जेल की बंदियों को प्राप्त करवाएंगे और एनजीओ के माध्यम से जो वहाँ बच्चे हैं उनके खेलने के लिए खिलौने आदि की व्यवस्था और उनकी काउंसलिंग और उनके लिए हम लोग शिक्षा विभाग से शिक्षिका की व्यवस्था करा रहे हैं। वो सब लोग वहाँ जाके उनको विधिक रूप से जानकारी भी देंगे और उनके जो है जो भी परेशानियाँ उनका निराकरण करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने जो है अपने पैनल लॉयर्स की भी व्यवस्था की है, जो वहाँ प्रति बंदी व्यक्तिगत रूप से मिलके उनकी क्या विधिक परेशानियाँ हैं उनको समझेंगे, उनका निराकरण कहाँ हो सकता है, उनको क्या सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं, कहाँ उनकी पत्रालियाँ कहाँ रुकी हुई हैं, क्या उनको जो है विधिक परामर्श दिया जा सकता है, इसके बारे में करेंगे। यह प्रोग्राम जो है एक मुख्य रूप से महिलाओं को जो जेल में बंद हैं उनके और उनके बच्चों के लिए है और इससे पूरा प्रयास होगा कि उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए और उनके अधिकारों को उन्हें दिलाया भी जाए और किसी प्रकार की कोई उनको जो है परेशानी ना हो जेल में। हमारा तहसील खजनी में तहसील मुख्यालय पर ही एक प्रोग्राम था बेटी बचाओ और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित, जिसमें तहसीलदार महोदय और बार के सम्मानित सदस्यगण और अमीन और क्षेत्रीय जनता ने काफ़ी संख्या में भाग लिया और उसमें हम लोगों ने उनको जागरूक किया विधिक रूप से कि हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, लिखाना है, उन्हें काबिल बनाना है और आपको इस हैसियत से उन्हें बड़ा बनाना है, उन्हें इस कैपेसिटी में बनाना है कि वो बार्गेन कर सकें ताकि कल को कोई समाज का कोई वर्ग ये ना कहे कि हमारी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उसे अच्छे घर में रिश्ता करने के लिए उसे जो है दहेज की आवश्यकता है। जब हमारी बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी अधिकारी बनेंगी इस लायक बनेंगी तो रिश्ते उनके खुद आएंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये एक कोशिश की है कि लोगों को जागरूक करते हुए एक मैसेज दिया जाए कि हमारी बच्चियाँ हमारी ताकत हैं, हमें हमारी असेट्स हैं, हम उन्हें लायबिलिटी ना समझें। न्यायालय में दहेज के मुकदमे काफ़ी आते हैं,
तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटियों को स्वावलंबी बनाने का भी प्रयास आप लोग कर रहे हैं, तो क्या इससे ये मामले कम हो जाएंगे? बेशक देखिए, समाज सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है, हर किसी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, अगर इस नारे के तहत अगर हम अपने परिवार को सुधारें और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं या इस लायक बनाएं, तो निश्चित है, मेरा ये मानना भी है कि हमारी लड़कियां जब इस लायक होंगी तो उनको दहेज की जो कुरीति है, जो ये प्रथा है, ये इससे उनको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगी और वो स्वयं खुद इस स्तर अपने पैरों पर खड़े होकर इस जो कुरीति है इसको समाप्त करेंगी।